किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां। वाह 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 यार, ये लोग एकदम खामोश हैं, क्या कहने। जब जब मैं इस कलाम को पढ़ता हूँ तो इस कामयाबी का सेहरा नकीब हिंदुस्तान अदीब शहीद हजरत तबीब आलम तबीब के सर जाता है। वजह उसकी ये है कि सबसे पहले ये कलाम अंजुमन शाने वतन के इजलास में सबसे पहली मरतबा ये कलाम पढ़ा गया था, और वो मकबूलियत की घड़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में ये कलाम मकबूल हुआ। मैं पहुंचा रहा हूँ, बड़ा ऐसा फरमाए कि सुमत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, सुमत से जिनके घर में, सुमत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदा पाक खिलाती बेटों से कम न समझो इन्हें दोस्तों कभी, बेटों से कम न समझो जगाती है बेटियां, जगाती है बेटियां। आखिरी शेर मैं पहुंचा रहा हूं, दुआ कीजिए कि जहेज की लानत डिमांड हमारे दरमियान से, हमारे समाज से खत्म हो जाए। बेटी जो एक अनमोल तोहफा होती है, दौलत होती है बाप के लिए, कितनी आसानी के साथ शरीयत पर अमल करते हुए वो दूसरे के हवाले करता है। लोग इसी पर बस करें और सब्र करें और बेटी को इज्जत के साथ ले जाएं घर और पूरी जिंदगी इत्तफाक करें। मैं साहब कबला आखिरी शेर पहुंचा रहा हूं, अब इससे बढ़ के कौन से दौलत से पढ़ के कौन से अभी से पढ़ के कौन से दौलत की है तलब, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां, एक शेर और पढ़ ही देता हूं मुलायदा फरमाए। मेरा बिल्कुल जाती मुशाहिदा है, उसी मुशाहिदे के हवाले से ये सारे अशआर आए हैं। मैं आखिरी शेर बजा रहा हूं, मुलायदा फरमाए, बेटे हजार जुल्मों
सितम करते हैं मगर बेटे हजार जुल्मों सितम करते हैं सितम करते हैं मगर बेटे हजार सताती है बेटियां बाप को कभी न सताती है बेटियां जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां।